प्रीडेटर्स एनिमल शिकार करने के हर पैतरे से वाकिफ होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ये अपना बचाव करना भी खूब जानते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें पेट एनिमल्स की तो ये काफ़ी काम नेचर के होते हैं और बेवजह किसी से नहीं उलझते, इसलिए कई बार शिकारी पक्षी इन्हें कमज़ोर समझने की भूल कर बैठते हैं और इन पर हमला करते हैं। मगर जान पर बन आने पर पेट एनिमल्स भी दुश्मनों का डटकर सामना करते हैं और उन्हें इनके इलाके से भगाकर ही राहत की सांस लेते हैं। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही मज़ेदार वीडियो क्लिप्स लेकर आए हैं जहां शिकारी पक्षी पेट एनिमल्स पर अटैक करते हैं तो बदले में पेट एनिमल्स उन्हें ऐसा मुंहतोड़ जवाब देते हैं कि उनकी हालत ख़राब हो जाती है। बारिश होने पर प्रकृति काफ़ी खूबसूरत और हरी भरी हो जाती है और ये पक्षी भी अपनी फैमिली के साथ मौसम को एंजॉय करने निकला है। मगर जैसे ही यह आगे बढ़ता है तभी अचानक आसमान से एक शिकारी पक्षी इन पर धावा बोल देता है। पर असली मज़ा तो तब आता है जब मासूम सा पक्षी भी इसे इतनी मार लगाता है कि यह भागता नजर आता है। ईगल की तरह हॉक भी टॉप लेवल का शिकारी होता है और इन्हें पालतू जानवरों को परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है। उदाहरण के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं जहां एक हॉक मुर्गियों को अकेला पाकर उन्हें बार बार परेशान कर रहा है, पर बाज को देख मुर्गियां भी फौरन अलर्ट हो जाती हैं और उसे भगाने की कोशिश करती हैं। छोटी मुर्गियों को घर में सेफ करके बड़ी मुर्गियां घर की निगरानी के कार्य में जुट जाती हैं। जब हॉक की यहाँ बात नहीं बनी तो ये दूसरी जगह जाता है और बेफिक्र होकर घूम रही एक मुर्गी के घर पर धावा बोलता है। मामले को बढ़ता देख कुछ ही देर में वहाँ एक मुर्गा आता है और हॉक से इस मुर्गी की जान बचा लेता है। मुर्गा हॉक को लात घूसों से इतनी पिटाई करता है कि बाज को आखिरकार मौके से भागना ही पड़ता है। अब यहाँ कौन सी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है? आखिर क्यों ये मुर्गे और मुर्गियों की गैंग इधर उधर दौड़ लगा रही हैं? चलिए मामले को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मुर्गियों की इतनी बड़ी फैमिली को देखकर हॉक के मुंह में भी पानी आ जाता है और वो उन्हें अपना लंच बनाने की कोशिश करता है। पर मुर्गियां भी कुछ कम नहीं हैं, वो अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए हॉक की सारी हेकड़ी निकाल देती हैं। ये अगली वीडियो क्लिप भी हॉक और मुर्गियों के बीच फाइट की है। क्या हॉक इस बार अपने मंसूबों में सफल हो पाएगा या फिर पहले की तरह दुम दबा कर भागता नजर आएगा? आज इन मुर्गियों के घर में पार्टी चल रही है मगर तभी वहाँ कुछ हॉक बिना इन्विटेशन के इनका मजा किरकिरा करने पहुँच जाते हैं। जैसे ही एक हॉक मुर्गी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो सारी मुर्गियाँ फॉर्म में आ जाती हैं। तब हॉक छिपने के लिए इनके घर के पीछे जाता है और सफ़ेद रंग की मुर्गी को अपना शिकार बनाने लगता है। ये देख काले रंग की मुर्गी बीच में आती है और हॉक को गिरा गिरा कर खूब मारती है। अब ये हॉक अपनी फैमिली को क्या मुंह दिखाएगा? खैर चलिए दूसरी वीडियो क्लिप की ओर बढ़ते हैं। अब इस मुर्गी पर क्या आफत आई है जो इतनी तेजी से भागे चली जा रही है? अरे यहाँ तो काला कौवा भी है। दरअसल ये कौवा मुर्गी के बच्चे पर अटैक करने के लिए आया था मगर मुर्गी ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। गौर से देखिए कैसे ये मुर्गी कौवे पर बार बार जोरदार प्रहार कर रही है और आखिर में उसे नीचे ही गिरा देती है। मुर्गी कौवे की इतनी बुरी तरह पिटाई करती है कि वो कुछ करने के लायक ही नहीं बचता। आप देख सकते हैं कि कैसे ये कौवा जमीन पर मुंह फाड़े पड़ा है और रहम की भीख मांग रहा है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि जब बात बच्चों की जान पर आती है तो किसी भी माँ से ये बर्दाश्त नहीं होता है और इस मुर्गी के केस में भी कुछ ऐसा ही है। वो इतनी आक्रामक हो जाती है कि कौवे को जरा भी नहीं बख्शती। अब जरा दिल थाम के बैठ जाए दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ मास्टर खिलाड़ी ईगल की एंट्री होने वाली है। देखते हैं कि वो किसे अपना शिकार बनाता है। ईगल को आता देख सभी मुर्गियों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो छिपने के लिए जगह तलाशने लगती है। इसी बीच ईगल एक छोटी सी मुर्गी को दबोचने में सफल रहता है। मुर्गी पर काबू पाने के लिए ईगल उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और रास्ता क्लियर होते ही उसे घसीटते हुए ले ही जा रहा होता है कि अचानक उसके चंगुल से मुर्गी छूटकर भाग जाती है। ईगल बेचारा मुंह ताकता रह जाता है और मुर्गी हाथ से निकल जाती है। दोस्तों ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि यहाँ बैटल ऑफ फील्ड है पानी। दरअसल इस बतख के बच्चे अभी काफी छोटे हैं इसलिए इनकी माँ उन्हें तैरना सिखा रही है, पर इन बच्चों को देख एक शिकारी पक्षी की नियत में खोटा जाता है और वो उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए टूट पड़ता है। पर बतख भी किसी ढाल की तरह सामने डटकर खड़ी हो जाती है। वो अपने बच्चों को भागने का इशारा करती है और खुद उससे भिड़ जाती है। ध्यान से देखिए कैसे बतख इस शिकारी पक्षी को पानी में डुबो डुबो कर मार रही है। दोनों के बीच जोरदार फाइट चलती है। बतख अपनी चोंच से दुश्मन पर इतने वार करती है कि वो अवसर मिलते ही तुरंत उड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब यहाँ क्या मामला है? काले रंग की लंबी सी गर्दन वाले ये पक्षी आसमान की ओर बार बार किसे देख रहे हैं?
दरअसल ये दोनों पक्षी अपने बच्चों के साथ टहलने निकले थे। वहीं दूर पेड़ पर बैठा एक शिकारी पक्षी इन्हें ऊपर से घूर रहा था। जब पक्षियों को इस बारे में पता चला तो वो सतर्क हो जाते हैं और अपने बच्चों को सेफ करते हुए उस पर बराबर नजर बनाए रखते हैं। जैसे ही ये शिकारी बर्ड इनके बच्चों को चुराने की कोशिश करता है तो ये अपने पंखों को खोलकर उसे डराकर भगा देते हैं। ये वीडियो काफ़ी ड्रामेटिक होने वाली है, इसलिए कहीं मत जाइएगा। इस मुर्गी को फार्म हाउस में अकेला देखकर बाज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो तेजी से आता है और मुर्गी से भिड़ जाता है। दोनों के बीच इतना घमासान होता है कि पंख टूटकर जमीन पर गिरने लगते हैं और दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटता। लड़ते लड़ते दोनों ही जमीन पर कलामंडी खाते रहते हैं। मुर्गी को अकेला पड़ता देख उसकी दोस्त बकरी वहां जाती है और बाज का सामना करती है। मामले को बढ़ता देख बाज वहां से भागने में ही समझदारी समझता है। पक्षियों के लिए अपने बच्चों को सुरक्षित रखना किसी मुश्किल टास्क से कम नहीं है और जब सामने जानलेवा सांप आ जाए तो बचना मुश्किल हो जाता है। सांप का जहर किसी को भी मौत की नींद सुला सकता है। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ माँ की जान भी खतरे में पड़ जाती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है और किसकी होती है मिट्टी पलीत। सांप को नजदीक आता देख ये बर्ड अपने चूजों को कोने में खड़ा कर देती है और सांप को अपने पंख खोलकर डराने का प्रयास करती है। मगर सांप के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। सांप भी बर्ड पर अटैक करता है और लड़ते लड़ते उसके बच्चों के करीब पहुंच जाता है। मगर बर्ड भी हार नहीं मानती और सांप को कड़ी शिकस्त देती नजर आती है। बर्ड काफी सावधानी से अपने बच्चों को एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाल देती है और खुद भी चली जाती है। सांप की इतनी बुरी हालत शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। स्कूल में आपने यूनिटी इज स्ट्रेंथ या फिर पावर ऑफ यूनिटी के बारे में खूब पढ़ा होगा और आज हम आपको ये बात एक अच्छे उदाहरण के साथ समझाने वाले हैं। होता कुछ यूं है कि ये अजनबी कुत्ता पालतू बकरियों के बाड़े में घुस जाता है और उन्हें अपना शिकार बनाने की फिराक में है। मगर ये बकरियां तेजी से भागकर एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं और फिर साथ आगे बढ़ते हुए डॉग को भगाने की कोशिश करती हैं। बकरियों की ये कोशिश भी रंग लाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि एकता में बल होता है। अकेले पर तो जल्दी काबू पाया जा सकता है, लेकिन जब सब साथ में होते हैं तो कमजोर की ताकत भी बढ़ जाती है। बकरियों की इसी ताकत को समझते हुए डॉग इन्हें बिना कुछ कहे चला जाता है। आपने खूब सुना होगा कि अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है और उसे हराना काफी मुश्किल होता है। यकीन ना हो तो आप इस वीडियो क्लिप को ही देख लीजिए। रात में बिल्ली को अकेला देखकर ये आवारा डॉग जैसे ही उसके घर में घुसकर हमला करने की कोशिश करता है तो बिल्ली उसे ऐसा मजा चखाती है कि वो थक कर चूर चूर हो जाता है। जैसे जैसे डॉग बिल्ली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो बिल्ली उसके मुंह पर अपने पंजों से जोरदार पंच मारती है। दोनों के बीच बड़ी देर तक फाइट चलती है। कभी डॉग बिल्ली को डराने की कोशिश करता है तो कभी उल्टा बिल्ली उसे धमका देती है। कुछ देर बाद बिल्ली कूद कर लकड़ी के पिलर पर चढ़ जाती है और डॉग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। शायद इस डॉग ने बिल्ली को हल्के में ले लिया था, मगर ये तो अच्छी फाइटर निकली। कमाल है, मजा आ गया। तो दोस्तों, क्या आपने कभी दूसरे जानवरों की इतनी दमदार फाइट्स देखी है? आपको इनमें से कौन सी फाइट सबसे ज्यादा मजेदार लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।